आपने कई हिंदी फिल्मों या सीरियल्स में लोमड़ी के बारे में कुछ डायलॉग जरूर सुने होंगे, जैसे कि ये लोमड़ी जैसा चालाक है वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल में बाकी जानवरों के मुकाबले लोमड़ी को ही सबसे चालाक क्यों कहा जाता है? तो जानिए, और साथ ही ये कुछ गजब के फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 3, जैसा कि ये जानकर आपको बहुत ही अजीब लगेगा, जैसा कि जब भी कभी आपने दो देशों के बॉर्डर के बारे में सोचा होगा तो सबसे पहले आपके आंखों के सामने कांटीले तार आ जाते होंगे। लेकिन क्या होगा अगर आप एक देश में खाना खाए और दूसरे देश में जाकर सो जाए? आपको बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। बिल्कुल ऐसा ही बॉर्डर है जो कि बार्ले शहर में है। ये बार्ले शहर दो देशों की सीमाओं के बीच बसा है, जो कि बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच में है। अगर आप इस शहर में हैं, तो आपका एक कदम नीदरलैंड में हो सकता है और दूसरा कदम बेल्जियम में। इस बार्ले शहर का आधा हिस्सा नीदरलैंड में है तो दूसरा आधा हिस्सा बेल्जियम में। इन दोनों देशों के बॉर्डर को क्रॉस लाइन से समझा जा सकता है। कई जगहों पर तो ये ऐसा है कि दो देशों की बॉर्डर लोगों के घरों के बीच से गुजरती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बेड बॉर्डर के ऊपर रखा गया है, तो यहाँ के लोग करवट बदलते ही नीदरलैंड में पहुँच जाते हैं, तो दूसरी करवट में ही बेल्जियम आ जाते हैं। इस शहर में हर चीज दो है, बेल्जियम वाले का नाम अलग है और नीदरलैंड वाले का नाम अलग। जैसे कि यहाँ दो नगरपालिका और दो पोस्ट ऑफिस भी है। फैक्ट नंबर 2, जैसा कि आपको पता है कि कछुआ सबसे ज्यादा दिन जिंदा रहता है, यानी कछुए की उम्र सबसे ज्यादा होती है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बिल्कुल इसका एक जीता जागता सबूत भी मौजूद है। जैसा कि आप ये देख रहे हो, इसका नाम है जोनाथन और इसकी उम्र अभी 2023 में 191 साल है, यानी कि इसकी उम्र लंदन की बिग बेन यानी कि क्लॉक टावर और पेरिस के आईफिल टावर से भी ज्यादा है। जी हाँ, जानकार बताते हैं कि इस कछुए का जन्म 1832 में हुआ था, यानी कि इसने दोनों वर्ल्ड वॉर देखे। और आपको बताना चाहूंगा कि इसके जन्म के बाद बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि सबसे पहले किसी व्यक्ति की तस्वीर ली गई, पहली टेलीफोन कॉल की गई और भी काफी कुछ आविष्कार हुए। फैक्ट नंबर 1, जैसा कि जंगल में बहुत जानवर रहते हैं, लेकिन आपने बचपन से कई कहानियों में सुना होगा कि लोमड़ी को सबसे ज्यादा चालाक माना जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जिनके कारण लोमड़ी को सबसे चालाक कहा जाता है। जैसे कि लोमड़ी इंसानों की तरह कुछ भी जल्दी से सीख जाती है। लोमड़ी काफी बुद्धिमान प्राणी है, ये काफी फुर्तीली होती है और शिकारियों से बचने की अलग अलग तरकीब जानती है। इसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ये शेर जैसे खूंखार जानवर के शिकार से भी अपने लिए खाना चुरा लेती है। यह आमतौर पर खुद शिकार नहीं करती बल्कि दूसरों का खाना चुरा कर खाती है। लोमड़ी कोई गुप्त जगह ढूंढ कर वहाँ अपना खाना भी बचा कर रखती है ताकि वो बाद में भूख लगने पर उसे खा सके। इसके अलावा लोमड़ी चुपचाप घूमती है और हर प्रकार के वातावरण में रह सकती है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोमड़ी किसी भी चीज पर कायम नहीं रहती, तो इसका मतलब यही है कि लोमड़ी किसी भी तरह के माहौल में खुद को ढाल लेती है और ये दिन के बजाय रात में शिकार करती है। लोमड़ी मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी। ये अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी खा लेती है जो भी उसे वक्त पर मिले, वो फिर चाहे मांस हो या पेड़ पौधे। और इतना ही नहीं, ये शिकार करने के लिए पेड़ पर भी चढ़ जाती है। और आपको बताना चाहूंगा कि लोमड़ी की सबसे खास बात यह है कि वो किसी भी परिस्थिति में तुरंत फैसला लेती है, जिससे बुरे वक्त में उसकी जान बच जाती है। ये 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ लेती है और इन्हीं सब कारणों की वजह से इसे सबसे चालाक कहा जाता है। वैसे क्या ये बातें आपको पहले पता थी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें।